हेलो दोस्तों, एडलवाइस बिजनेस साइकिल फंड, ये नया एनएफओ आ रहा है। जुलाई 9 से जुलाई 23 डेट है। इस एनएफओ के बारे में सब कुछ डिटेल में हम समझने वाले हैं। सबसे पहली चीज है, ये एक थीमेटिक फंड है, ठीक है। बिजनेस साइकिल के दूसरे भी बहुत सारे फंड्स हैं, दूसरे म्यूचुअल फंड हाउसेस के, तो आप उनको एक थीमेटिक फंड के हिसाब से देख सकते हैं। मिस्टर भावेश जैन, मिस्टर भारत लाहोटी, मिस्टर अमित वोरा, ये इसके फंड मैनेजर होने वाले हैं। बेंचमार्क क्या है, जो कि हर फंड में होता है कि किसके साथ वो कॉम्पीट कर रहा है वो फंड, तो निफ्टी 500 टीआरआई। निफ्टी 500 टीआरआई सोच लीजिए, 3 साल के बाद कुछ एक्स रिटर्न है, तो फंड की कोशिश रहेगी एक्स प्लस कुछ ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड करने की। अब फंड कहां यहां इन्वेस्ट करने वाला है, यहां पर इक्विटी में ही मोस्टली यहां पर उनका इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और फोकस होने वाला है बिजनेस साइकिल के ऊपर। इन सब पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और डायनामिक एलोकेशन होगा अलग अलग सेक्टर्स में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो बेसिक चीजें रही वो। अब देखिए, कुछ थ्योरेटिकल कुछ डेटा जो है हम समझते हैं यहां पर। ये जैसे यूटिलिटीज है, जैसे यहां पर पावर सेक्टर, फिर यूटिलिटीज यहां पर आ गया। अब सोच लीजिए, ये एक पीरियड था 2019-20 में, आप देख रहे हैं कि -4% रिटर्न, 4% रिटर्न। अब एक इंटेलिजेंट फंड मैनेजर क्या देखेगा कि क्या यहां पर रिटर्न भले ही अच्छा नहीं है, लेकिन बिजनेस बढ़िया चल रहा है। अगर बिजनेस बढ़िया चल रहा है तो मार्केट हो सकता है फ्यूचर में उसको रिवॉर्ड करे, तो हो सकता है कोई इंटेलिजेंट फंड मैनेजर वहां पर उस लेवल पर इंटर करेगा। ये कोई भी 2019 का पीरियड या 2020 कोई भी पीरियड में आप देखिए, अगले 1 साल 2 साल में रिटर्न आया है 70% और 25% के ऊपर। साइकिल्स को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिमिलरली उसके नीचे ही देखिए फार्मा। अब कोई एक फंड मैनेजर या कोई इन्वेस्टर है, उन्होंने देखा बिल्कुल मोमेंटम में फार्मा अच्छा चल रहा है, 2013 में 27%, 2014 में 44%, 2015 में 10% का यहां पर बहुत अच्छा रिटर्न मिला है, अब कहीं पर टॉप में अब यहां पर आ गए हैं। अब हो सकता है बिजनेस साइकिल में फार्मा में कुछ चैलेंजेस हो रहे होंगे, और वहां पर अगर फिर भी इंटर कर रहे हैं तो अगले 4 साल में नेगेटिव रिटर्न आ रहा है, -14, -6, -7, -9%। तो एक इंटेलिजेंट फंड मैनेजर की क्या पहचान होनी चाहिए कि किसी भी सेक्टर का साइकिल अगर शुरू हो रहा है उससे पहले ही वो एंट्री ले ले। और क्या चीज वो अवॉइड करना चाहिए कि कोई भी सेक्टर अभी खराब होने वाले हैं, उसके जो भी हो, मैक्रोस हो सकते हैं, सेक्टोरल इशू या कंपनी स्पेसिफिक भी कुछ इशू खराब होने वाले हैं, उससे पहले ही वो एग्जिट कर ले। तो बिजनेस साइकिल में कुछ मोटा मोटी कुछ ऐसा ही देखना है, जहां पर सेक्टोरल रोटेशन होते रहते हैं मार्केट में, और करेक्ट सेक्टर में करेक्ट या सही टाइम में इंटर करना या एग्जिट करना, ये एक फंड मैनेजर की एक बड़ी स्किल यहां पर होनी चाहिए। ये चीज हमको ध्यान में रखना है। अब एडलवाइज बिजनेस साइकिल फंड यहां पर एक अलग अप्रोच ला रहा है, ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा, यहां पर फैक्टर बेस्ड अप्रोच यहां पर वो लेकर आ रहे हैं दोस्तों। दोस्तों हम समझते हैं, यहां पर एक्सेस रिटर्न का उनका कोशिश रहेगा। उन्होंने एक मॉडल बनाया है जिसका बैक टेस्ट उन्होंने किया हुआ है और रूल बेस्ड होने वाला है। अब ये मॉडल है एक, जैसे क्वांट मॉडल्स होता है ना, सिमिलरली एक मॉडल उन्होंने इनहाउस बनाया हुआ है जो कुछ रूल्स बना दिए हैं वहां पर, और डेटा के ऊपर फोकस होगा, और डेटा के ऊपर पे वो लोग जो भी है बाय सेल जो भी सेक्टर रोटेशन करना है वो फोकस करेंगे, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि अलग अलग फैक्टर्स अलग अलग टाइम में काम करते हैं। फिर आप देख सकते हैं 2018 से 21 वैल्यू फिलोसॉफी चल नहीं रही थी, लेकिन 2022-23 वैल्यू फिलोसॉफी अच्छा कर रही है। सिमिलरली आप देखेंगे मोमेंटम जो है 2016 में काम नहीं कर रहा था, लेकिन 2017-18 में मोमेंटम फिलोसॉफी ज्यादा अच्छा कर रही थी। तो अलग अलग टाइम में ये जो फैक्टर्स हैं वो काम करते रहते हैं। तो इन्होंने यहां पर क्या किया है, फैक्टर्स पर फोकस किया है। और फैक्टर क्या होता है, जैसे एक वैल्यू फैक्टर है, वैल्यू फैक्टर में क्या देखा जाएगा, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक, डिविडेंड कैसा आ रहा है। क्वालिटी फैक्टर, उसमें क्या होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, की कंपनी का सब कुछ बढ़िया तो है, अब किसी की आरओई 2% है या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3% है, ये तो बहुत अच्छा नहीं बोला जाएगा ना, तो वो सब कंपनियां यहां पर अवॉइड की जाएगी। फिर ग्रोथ, अब कंपनी के स्टॉक के भाव भले ही बढ़ गए हो, लेकिन कंपनी का सोच लीजिए रेवेन्यू ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ है वो हो ही नहीं रहा है, 3%, 4% है, तो वो ग्रोथ फिलोसॉफी में कभी नहीं आएंगे। ग्रोथ में कौन से आएंगे, जिसका अच्छा खासा ग्रोथ रेवेन्यू प्रॉफिट सब चल रहा होगा, ठीक है। अब जो मेन जो सेंटर में उन्होंने क्या रखा है वो है मोमेंटम। मोमेंटम को आप कैसे समझेंगे, अब मान लीजिए एक ऑफिस में काम करते हैं, सेल्स मार्केटिंग में है, सोच लीजिए आपने अप्रैल मई जून तीनों महीनों में अपने जो टारगेट्स हैं उनको आपने अचीव किया हुआ है, तो जुलाई में क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी मैनेजमेंट के, या फिर आपके जो बॉस है या फिर जो भी सीनियर्स है, कि जुलाई में भी ये बंदा बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस होना चाहिए। एक और समझाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट, अगर 4 मैच कोई प्लेयर अच्छा करता है तो 5वें मैच में वही एक्सपेक्टेशन होगी ना, कि नहीं ये अच्छा अभी फॉर्म में चल रहा है या अभी और दौड़ेगा। तो फॉर्म जो बोलते हैं,
चाहे वो आपके ऑफिस में, आपके जॉब में हो या क्रिकेट के जो टीम में हो, वैसा ही स्टॉक में भी होता है कि भाई ठीक है 3 महीना 6 महीना ये स्टॉक चला है तो एक्सपेक्टेशन है कि ये फ्यूचर में भी अच्छा चलेगा। तो मोमेंटम को वैल्यू, मोमेंटम को क्वालिटी, मोमेंटम को ग्रोथ, उसके साथ वो कंबाइन कर रहे हैं और उससे उन्होंने एक मॉडल बनाया हुआ है, ठीक है, एक क्वांट जैसा कुछ मॉडल बनाया हुआ है, उसके बेसिस पे वो एक्शंस लेंगे। किस तरीके से उन्होंने टॉप 300 कंपनीज, मतलब मोस्टली लार्ज कैप मिड कैप पर यहां पर फोकस रहने वाला है, स्कोर्स अगेन वो जो मॉडल है उसके हिसाब से कुछ क्वांटिटेटिव नंबर्स वो प्रोवाइड करेगा, क्वालिटी, ग्रोथ, वैल्यू, मोमेंटम के हिसाब से, और उसके बाद स्टॉक सिलेक्शन होगा और फिर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन यहां पर होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या रहने वाली है, ये थोड़ा अलग है, यहां फैक्टर और जो मॉडल है वो बिजनेस साइकिल को स्पॉट करने वाला है। अगेन मॉडल में ग्रोथ, क्वालिटी, वैल्यू, मोमेंटम रहने वाले हैं, मार्केट कैप का बायसनेस रहने वाला है, मतलब लार्ज कैप तो रहेंगे ही, साथ में मिड कैप और स्मॉल कैप का भी ऑलमोस्ट आसपास का एलोकेशन रहने वाला है दोस्तों। फिर साथ में लगभग 60 स्टॉक का ये पोर्टफोलियो बनाने की स्टार्टिंग में कोशिश रहेगी और टॉप 300 मतलब मोस्टली लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एक छोटा सा हिस्सा यहां पर फोकस यहां पर रहने वाला है दोस्तों। अब ये डिफरेंट कैसा है ये ट्रेडिशनल अप्रोच, अब ट्रेडिशनल अप्रोच जैसे और भी बिजनेस साइकिल फंड है, फॉर एग्जांपल कोटक बिजनेस साइकिल या HDFC बिजनेस साइकिल, वो सब भी फंड्स हैं, वहां पर जो फंड मैनेजर्स हैं वो बिजनेस पर कॉल लेते हैं, टॉप डाउन या बॉटम अप अप्रोच। सोच लीजिए उनको लग रहा है सेक्टर बहुत अच्छा करेगा, सेक्टर अच्छा करेगा तो कौन सी कंपनियां उस सेक्टर से, सोच लीजिए 10 कंपनी है, 10 में से कौन सी कंपनी अच्छा कर सकती है उस सेक्टर में, हो सकता है मैक्रो भी सिचुएशन अच्छा है, गवर्नमेंट की भी पॉलिसी अच्छी है, तो उस हिसाब से फंड मैनेजर कॉल ले सकते हैं। ये टॉप डाउन जैसा अप्रोच हुआ, हर सेक्टर पे वो डाइवर्सिफाई करके अपना पोर्टफोलियो रखेंगे, मैक्रो सेक्टर इन सब पर वो फोकस रखेंगे, इन्फ्लेशन कैसा चल रहा है, इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट पॉलिसी, केपेक्स, क्रेडिट ग्रोथ, ये सब जो भी मैक्रो रिलेटेड जो भी डेटा होते हैं उस पर वो फोकस करते हैं और उससे वो कोशिश करते हैं कि मैक्रोस जो अच्छा चल रहे हैं या खराब चल रहे हैं तो किन कंपनियों को पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट। अब सोच लीजिए ऑयल, तेल, तेल का दाम सोच लीजिए कल कम हो गया तो किस सेक्टर को फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने PLI पॉलिसी लाई या फिर डिफेंस में आत्मनिर्भर जो पॉलिसी है वो लाई, किस सेक्टर को फायदा हो सकता है या फिर किस उस सेक्टर में किस कंपनियों को फायदा हो सकता है। तो ये थोड़ा ट्रेडिशनल यहां पर मॉडल यहां पर हो जाता है जहां पर एक्टिव फंड मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट यहां पर होता है, कोई मॉडल नहीं है, फंड मैनेजर स्टॉक चुनते हैं, कंपनीज चुनते हैं कि ये अच्छा करेगा या खराब करेगा, वो यहां पर नहीं होने वाला है, हर चीजें हैं हैं उस पर यहां पर फोकस रहने वाला है दोस्तों। तो ये चीज को हमको डिफरेंशिएट ये कर रहा है। फिर वैल्यूएशन चेक यहां पर होगा, फंड मैनेजर क्या ले रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में, फिर साइक्लिकल डिफेंसिव उस हिसाब से वो देखेंगे, मोमेंटम बहुत सारे फंड मैनेजर नहीं देखते हैं, अब मोमेंटम अब जब आप बहुत ज्यादा देख रहे हो तो फिर हो सकता है चर्निंग भी यहां पर ज्यादा हो सकती है। अब ये इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, किसी इन्वेस्टर को रिटर्न से मतलब है, चर्निंग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी इन्वेस्टर को कम चर्निंग चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, जो टर्नओवर रेशियो कम हो यहां पर होना चाहिए, तो यहां पर आप देखेंगे ये डायनामिक होने वाला है, बहुत सारे चेंजेस यहां पर होने वाले हैं। और आप देख सकते हैं जैसे ये निफ्टी 500 है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज 28% है, फंड जो है 22% है, तो ये बेंचमार्क के आसपास भी नहीं रहने वाला है दोस्तों। ऑटोमोबाइल यहां पर देखिए 7% है लेकिन ये फंड का अभी जो मॉडल बता रहा है 11%। अब ये डायनामिक है, ये हर 3-6 महीने में 12 महीने में ये चेंज होता रहेगा। अब पावर सेक्टर जो है निफ्टी 500 में सिर्फ 4% है, इस फंड में देखेंगे अगर आप जो भी डायनामिक उनकी जो फिलोसॉफी है या जो स्ट्रेटेजी है 10% के हिसाब से यहां पर रहने वाली है। तो कोशिश यहां पर क्या रहेगा, सेक्टर रोटेशन पर, और यही इस फंड का सक्सेस फेलियर को डिटरमाइन करना रहेगा। जैसे कैपिटल गुड्स जो ये उनका मॉडल है, जो बैक टेस्टेड मॉडल है, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कैपिटल गुड्स में जैसे 2022-23 में उन्होंने एंटर किया था, बहुत ज्यादा वहां पर रखा था अपना एलोकेशन जो है, और ऑब्वियसली कैपिटल गुड्स अच्छा चले ही है 2022-23 में, तो ये उनका वही कोशिश रहेगा कि जैसे जैसे सेक्टर्स रोटेट होते रहेंगे मार्केट में ये मॉडल भी डायनामिकली अपने आप को चेंज करता रहेगा। और ये क्यों डिफरेंट होने वाला है आपको जैसे बताता हूं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एक बहुत बड़ा पार्ट है निफ्टी 50 हो या निफ्टी 500 हो, लेकिन अगर निफ्टी 500 का वो 16% पार्ट है, इस फंड का सिर्फ 1% है, क्योंकि अभी मोमेंटम में नहीं है तो ये फंड में जो है प्राइवेट बैंक्स की बहुत जगह जो है नहीं रहेगी। कैपिटल गुड्स अगर आप देखेंगे निफ्टी 500 का 6% है लेकिन इस फंड में 13% दिखेगा, पावर 4% लेकिन इस फंड में 10%, क्योंकि पावर कैपिटल गुड्स जो है जो ड्यूरेबल कंपनीज हैं वो अभी थोड़ा मोमेंटम में यहां पर चल रही है, और मोमेंटम में अभी क्या नहीं चल रहा है ये खैर थोड़ा सा पुराना डेटा है, अब तो IT भी थोड़ा मोमेंटम में चल रहा है, बट अगर आप देखेंगे प्राइवेट बैंक्स बिल्कुल मोमेंटम में नहीं है, तो इसीलिए ये अंडरवेट हमको देखने को मिल रहा है। तो लास्ट में क्या हमको देखना है कि इसका जो आउटकम है, अब देखिए कोई भी इक्विटी फंड है तो मिनिमम 5 साल का तो व्यू रखना ही चाहिए, मैं चलिए मैं 3 साल की बात कर रहा हूं, 3 साल के बाद आप देखेंगे कि इसका जो आउटकम है जिस तरीके से उनकी जो फिलॉसफी है वो एक बेंचमार्क से तो डिफरेंट होने वाला है। बहुत सारे सेक्टर्स हैं और फंड का जो सक्सेस फेलियर जो है वो क्या चीज पर डिटरमाइन होगा कि वो डायनेमिकली एलोकेट कर पाते हैं या नहीं है,
वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहां पर चूंकि फंड मैनेजर का जो सेक्टोरल या फिर मैक्रो रिलेटेड बहुत ज्यादा कॉल नहीं रहने वाला है, डिपेंडेंस रहने वाला है मॉडल पर और फैक्टर बेस्ड किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। अब हुआ क्या है कि जो मॉडल जो है या जो रूल बेस्ड जो फंड्स हैं भारत में बहुत कम है। दूसरी चीज है जरूर, दूसरी चीज क्या हो जा रही है कि ऐसे फंड्स नहीं है कि जिनके 15-20 साल की हिस्ट्री हो। अभी रिसेंट में लास्ट 4-5 साल से बहुत सारे फंड्स आ रहे हैं, तो एक्सपीरियंस आपको अलग अलग टाइप का यहां पर मिल सकता है। तो आप यहां पर 3 साल के बाद आपको कुछ भी आउटकम मिल सकता है, या तो बहुत ही आप कहेंगे कि नहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, या 3 साल के बाद कहेंगे कि नहीं मेरा एक्सपीरियंस फिर बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो ये चीज को ध्यान में रखना है क्योंकि ये फंड जो है ये फैक्टर्स पर यहां पर काम कर रहा है और किस तरीके से वो डायनामिकली बिजनेस साइकिल्स को वो कैच करेंगे विथ मॉडल्स या जो क्वांट मॉडल्स है, वो इस फंड का जो सक्सेस फेलियर जो है वो डिटरमाइन करने वाला है दोस्तों। तो ये थीमेटिक फंड होने वाला है। जनरली जैसे मैं हर बार कहता हूं कि थीमेटिक फंड्स जो है, अगर हम अपने पर्सनल पोर्टफोलियो की बात करें, वो एक टेक्टिकल बेट होना चाहिए, प्लस यहां पर आपका जो टोटल जो पोर्टफोलियो वेटेज है वो थोड़ा ध्यान से रखना चाहिए। 70-80% वेटेज नहीं, आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का 5%, 10%, 20% तक हो तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी चीज है बैक टेस्टिंग अच्छा है, इस मॉडल ने बैक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन रियल में वो कैसा परफॉर्म करेगा। क्रिकेट की एनालॉजी लेते हैं, नेट प्रैक्टिस में कोई प्लेयर बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन जब असली जब वो खेलने आता है तो वो देखना होता है ना, क्योंकि ऑडियंस देख रहे होते हैं, करोड़ों लोग देख रहे होते हैं, प्रेशर अलग ही होता है, तो वो देखना है कि रियल में वो किस तरीके से परफॉर्म करता है, वो देखना है। मॉडल है, रूल बेस्ड है, तो ये थोड़ा सा ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर भी है, लेकिन ये साथ साथ में हाई रिस्क भी लेकर आता है और ये एग्रेसिव भी लेकर आता है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे बिजनेस साइकिल फंड्स थीमेटिक है तो हाई रिस्क तो रहेंगे ही। अगर आप कंपेयर करते हैं किसी भी एक फ्लेक्सी कैप या मे बी इवन लार्ज कैप फंड के साथ या फिर लार्ज एंड मिड कैप के साथ भी, तो थोड़ा सा हाई रिस्क तो ये रहते हैं। हाँ, अगर कोई एक पर्टिकुलर थीमेटिक फंड है, फॉर एग्जांपल ऑटोमोटिव फंड या मैन्युफैक्चरिंग फंड है या फिर एक आईटी का फंड है, उसके कंपैरिजन में कम रिस्क रहेगा, क्योंकि अगर एक आईटी का फंड है तो वो ज्यादा से ज्यादा वही 30-40 आईटी का स्टॉक ही लेंगे। यहां पर बहुत सारे आपको सेक्टर्स मिलेंगे। यहां पर आप बेट कहां ले रहे हैं कि फंड मैनेजर सही टाइम पे सही सेक्टर को इंटर करे या एग्जिट करे, वही होगा इस फंड का सक्सेस और फेलियर। लास्ट में दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट में अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो फिर इसको आप फर्दर स्टडी यहां पर कर सकते हैं। बट अगेन यहां पर आपको अपना लॉन्ग टर्म का फोकस तो यहां पर रखना ही है, एग्रेसिव थॉट प्रोसेस यहां पर रहने वाला है, और ये हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए ही जो थीमेटिक फंड ये जो आया है उनके लिए ही ये है विथ ए स्मॉल ट्वीक। और वो ट्वीक क्या है, यहां पर मॉडल है क्वांट मॉडल और रूल बेस्ड यहां पर फैक्टर बेस्ड बिजनेस साइकिल अप्रोच यहां पर होने वाला है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। लास्ट में दोस्तों हम गोल बेस्ड स्मार्ट इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं कि आप अपने भविष्य के गोल, चाहे वो रिटायरमेंट इनकम हो SWP के द्वारा, वेल्थ क्रिएशन हो या फॉरेन वेकेशन या बच्चों की एजुकेशन, कुछ भी हो, आपको कैसे मिल सके, आपके गोल आप कैसे पहुंच सके, उस पर हम पर्सनलाइज सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मेरा नाम दीपक है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, मैं एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर रह चुका हूँ, HDFC बैंक, आनंद राठी और LRA कैपिटल जैसी कंपनियों में मैंने काम किया हुआ है पास्ट में, और अभी भी बहुत सारे HNI क्लाइंट्स को मैं मैनेज कर रहा हूं। और इतना मैं समझता हूं हर इन्वेस्टर यूनिक है, सबकी जरूरतें यहां पर अलग है और सबके लिए स्मार्ट क्यूरेटेड इन्वेस्टमेंट जो म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है प्लान होना चाहिए। तो मैं एक फ्री पर्सनलाइज म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, मैंने गूगल फॉर्म की लिंक को प्रोवाइड किया है, आप गूगल फॉर्म की लिंक को भर सकते हैं और मैं या मेरी टीम में से कोई 3 दिन के अंदर आपको रीच आउट करेगा और हम आपके जो गोल प्लानिंग है उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप सीरियस है अपने भविष्य के गोल को किस तरीके से आप रीच कर सके और आप इन्वेस्टमेंट गाइडेंस ढूंढ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज ढूंढ रहे हैं तो हम आपको वो प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं सब कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी दोस्तों। गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।